ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील फिर एक बार लद्दाख ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से भी आप सब लोगों के लिए एक अहम अपडेट के साथ मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। और ये अहम अपडेट फ़िलहाल जोजला पास के हवाले से है, क्योंकि जोजला पास को बंद हुए अब काफ़ी दिन हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर बीआरओ की तरफ से जोजला पास को फिर एक बार बहाल करने की कोशिशें जो है वो जारी वसारी हैं। और लगातार जिस तरह पिछले कई दिनों से जोजला पास में बर्फ़ हटाने का काम जो है दोनों ओर से किया जा रहा है, और आज एक बड़ी कामयाबी जो है द्रास मीनामर्ग साइड से प्रोजेक्ट विजेक को मिली है, और प्रोजेक्ट विजेक ने एक बार फिर जो है 0 पॉइंट तक काम मुकम्मल किया है। तो आज की ताज़ा अपडेट्स हैं जोजला पास के हवाले से कि जोजला पास में फिर बर्फ़ हटाने का काम जो है वो देखने को मिला, और उसके बाद आज प्रोजेक्ट विजेक की ओर से द्रास मीनामर्ग साइड से 0 पॉइंट तक जो इनका मेन टारगेट है द्रास साइड से वहाँ तक बर्फ़ हटाने का जो काम है वो उनकी तरफ से मुकम्मल किया गया है और बड़ी कामयाबी हासिल की है। दूसरी ओर फिलहाल सोर्सेज के हिसाब से ये भी इतलात मिल रहे हैं कि अभी दूसरी ओर जो बेकन साइड से सोनमर्ग साइड से बात करते हैं तो फिलहाल बजरी नाला के करीब जो है सोनमर्ग साइड से भी बेकन की टीम काम कर रही है, और बहुत तेज़ी के साथ उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है बहुत जल्दी उनकी तरफ से भी मेन टारगेट जो 0 पॉइंट है वहाँ तक बर्फ़ हटाने का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो जोजला पास के हवाले से फ़िलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि आज फिर एक बार जोजला पास में जो प्रोजेक्ट विजेक है उनकी तरफ से फिर एक बार जो है कामयाबी हासिल की गई है और 0 पॉइंट तक बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल किया है। तो फिलहाल प्रोजेक्ट विजेक की ओर से काफ़ी कोशिशें, लेकिन उम्मीद यही करते हैं बहुत जल्दी जो है जोजला पास को फिर बहाल किया जाएगा, ताकि जो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है फ़िलहाल चल रहा है, जिसके चलते जोजला पास को बहाल करने पर लोगों को काफ़ी राहत जो है वो मिल सकती है। तो समय की बात होगी, फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा, लेकिन प्रोजेक्ट विजेक की तरफ से बड़ी कामयाबी और जोजला पास में फिर एक बार 0 पॉइंट तक आज प्रोजेक्ट विजेक की तरफ से काम मुकम्मल किया है। तो फिलहाल पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए लद्दाख ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के साथ।